हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस। और चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारी ऑन गोइंग सीरीज, जिसमें कि हम 65th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन आंसर देख रहे थे। और बिहार नमन पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज नंबर 3 हम देख रहे हैं, जिसमें कि 75 सवाल हम कर लिए हैं। और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से 150 तक। ओके, सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 76 का आंसर हो गया सी। अब आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, 28 जनवरी को या फिर 28 फरवरी को या फिर 28 मार्च को या फिर 28 अप्रैल को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 28 फरवरी को मनाते हैं। अब कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए कि ये किसके बर्थडे को हम लोग नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, कि दुर्घटना में सहायता करने वाले लोगों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि गुड सैमरिटन, यानी अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसको जो प्रोटेक्शन देता है, असिस्टेंस देता है, इस पर एक्ट बनाने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन है, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 78 का ए हुआ कर्नाटक। कर्नाटक इंडिया का पहला ऐसा राज्य बना है। ओके, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 79 पर। नई अल्कोहल नियंत्रण पहल SAAFER किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहल है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या यूनिसेफ या फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, कि भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसके द्वारा ट्रेनिंग एंड लर्निंग अकाडमी स्थापना किया गया, इसका ट्रेनिंग एंड लर्निंग अकाडमी का स्थापना किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया, दिल्ली में, जयपुर में, भुवनेश्वर में या फिर कोलकाता में। तो 80 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जयपुर में सेटअप किया गया पहला, कह लें कि ट्रेनिंग एंड लर्निंग अकेडमी इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 81, कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल SATAT किसे बढ़ावा देने के लिए है, सतत, ठीक है। अब इंग्लिश में अगर मैं बोल दूं तो सतत इनिशिएटिव है जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है, तो ये किसके लिए है, संपीड़ित बायोगैस यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस या फिर CNG या फिर LPG या फिर LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये किस चीज़ से रिलेटेड है सतत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी संपीड़ित बायोगैस यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए। ओके, ये बस वन लाइनर है, आपको याद करते जाना है, इसमें कुछ भी वैसा नहीं है एज सच कि आपको समझने की ज़रूरत है। 82 नंबर क्वेश्चन, कि अक्टूबर 2018 में भारत में अग्रणी दूरसंचार सेवा प्रदाता वोडाफोन और आइडिया ने महिलाओं की सुरक्षा पर आधारित किस सेवा की शुरुआत की है। ओके, यानी कि ये हो गया वीमेन सेफ्टी से रिलेटेड है, इंडिया के जो दो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वोडाफोन और आइडिया, इनके द्वारा क्या स्टार्ट किया गया, वोडाफोन सखी या फिर आइडिया सखी या फिर वोडाफोन आइडिया सखी या फिर भारत सखी या इनमें से कोई नहीं। तो 82 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि वोडाफोन सखी। ओके, ठीक है, तो अब चलेंगे हम आगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83, यानी कि 83, कि वर्ष 2018 में किस राज्य को संयुक्त राज्य खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा भविष्य निधि स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ ज़्यादा हिंदी हो गया तो मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, कि इन द ईयर 2018 विच स्टेट हैज़ बीन अवार्डेड फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड गोल्डन बाय द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शंस हैं सिक्किम, बिहार, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। तो 83 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आप ये काफ़ी इजीली गेस करके बता सकते थे, सिक्किम जो कि इंडिया का पहला फुली ऑर्गेनिक स्टेट भी है, तो इसी कंसर्न में उसको मिला भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 84, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पीस मिशन 2018 के तहत किन देशों की सेनाओं ने मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है
और इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं भारत म्यांमार, भारत बांग्लादेश, भारत इंडोनेशिया या फिर भारत पाकिस्तान। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको वहाँ ले जा रहा है कि आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं संघाई से जो रिलेटेड है, तो जो संघाई के मेंबर्स होंगे या फिर जो ऑब्जर्वर्स होंगे उनसे रिलेटेड है। तो इसका तीन ऑप्शन तो शुरू में ही गलत हो गया और इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, यानी भारत पाकिस्तान के द्वारा पीस सैन्य अभ्यास किया गया, पीस यानी कि शांति। और वाकई यही दोनों देश हैं जहां पर शांति की काफ़ी ज़रूरत भी है। क्वेश्चन नंबर 85 कि कौन सा राज्य धुएं से मुक्त देश का पहला राज्य बना, ठीक है, यानी ये स्मोक फ्री हो गया, ये इंडिया का कौन सा स्टेट है। ऑप्शंस दिए गए हैं कर्नाटक, केरल, बिहार, आंध्र प्रदेश, और 85 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि केरला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए, केरला इंडिया का पहला धुआं से मुक्त राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं कि आगामी एशियन गेम्स का 2022 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है, यानी जो एशियाड गेम्स होते हैं जो कि इससे पहले हुआ था इंडोनेशिया में, अब अगला कहाँ होने वाला है, उसका मेजबान देश कौन होगा। ऑप्शंस हैं कतर, चीन, जापान या फिर इंडोनेशिया, और 86 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी चाइना में होने वाला है। ओके, ईयर ध्यान पर रखिएगा 2022। क्वेश्चन नंबर 87 आस्क दिशा नामक चैट बॉट किस सरकारी कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया, IRCTC, DRDO, ISRO या फिर DMRC, या इनमें से कोई नहीं अगला ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए IRCTC। आप वेबसाइट जैसे खोलेंगे तो आपको आस्क दिशा ये वेब चैट बॉट नजर आ ही जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 यानी कि जो बुक का नाम है इंडियन स्पोर्ट्स कंजर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, विजयन बाला के द्वारा या फिर शीला दीक्षित या फिर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा या फिर लालजी टंडन के द्वारा, और 88 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि विजय बाला जी के द्वारा लिखा गया है इंडियन स्पोर्ट्स कंजर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। 89 नंबर की गौ समृद्धि प्लस स्कीम, इंग्लिश में भी इसे यही बोलेंगे गौ समृद्धि प्लस स्कीम, किस राज्य की पहल है, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर बिहार, और 89 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ये केरला का स्कीम है, पहल है केरला के द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 90 की जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है इसके द्वारा हाल में ही कौन से शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया, टॉक्सिक, एमुला, पेंचर और डायलेमा में से, और 90 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि टॉक्सिक। ओके, 91 नंबर देखते हैं जो UNDP है, UNDP की मानव विकास रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है। ओके, 138वां, 130वां, 131वां या फिर 134वां, और 91 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 130वां। अब देखिए यहाँ दो बातें हो गई, UNDP ही जारी करता है मानव विकास रैंकिंग, आप यहाँ से ये भी समझ गए, तो ये भी याद रहना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 92 पर चलते हैं कि 281 एंड बियॉन्ड ये किसकी आत्मकथा है, इसका करेक्ट आंसर आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए यानी VVS लक्ष्मण की आत्मकथा है 281 एंड बियॉन्ड, यानी ये स्कोर से रिलेटेड है। अब चलते हैं 93 नंबर पर कि सिख के 10वें गुरु के कौन से क्रम का जन्मदिवस 13 जनवरी 2019 को बिहार में मनाया गया। ठीक है, देखिए ये पास्ट की बात हो गई कि जनवरी में, मतलब ये गुरु गोविंद सिंह जी का पूछा जा रहा है, 350वां, 360वां, 352वां या फिर 362वां। ओके, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 352वां, ये याद रख लीजिए। और इसी के ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा 350 रुपये का एक कमोमोरेटिव कॉइन इशू किया गया, ध्यान दीजिएगा 350 रुपये, 352 रुपये का नहीं, 350 रुपये का, भले ही 352वां वर्ष है। ओके, क्वेश्चन नंबर 94 पर चलते हैं कि फरवरी 2019 में राज्य सरकार ने बजट 2019-20 में यूनिवर्सल वृद्धजन पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है, यह योजना का लाभ प्राप्त करने वाले न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है 65 साल, 60 साल, 55 साल या फिर 70 साल। ठीक है, और 94 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 60 साल, वैसे भी आप इसको एक स्मार्ट गेस वर्क के तहत बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 96 पर हम चलते हैं, 95 पर कि फरवरी 2019 में 3 दिवसीय कृषि कुंभ का मेला जो हुआ उसका आयोजन कहाँ किया गया था बिहार में, मुजफ्फरपुर, पटना, गया या बेतिया या इनमें से कोई नहीं, तो 95 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, क्यों, क्योंकि ये मोतिहारी में हुआ था, ईस्ट चंपारण।
96 नंबर क्वेश्चन की शराब की तस्करी रोकने हेतु किस राज्य ने सर्वप्रथम स्वान यानी कि डॉग्स कुत्तों को तैनात किया 2019 अप्रैल में, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिहार। इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने वाला बिहार पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 97, यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि हम चंद्रमा पर बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ वायु एवं ध्वनि के गमन के माध्यम अनुपस्थित हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। तो आगे चलते हैं, अब इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं 97 का। तो ये है कि चंद्रमा पर उपग्रहीन संकेत प्राप्त होते हैं क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका मतलब हुआ, मैं अगर इंग्लिश में इस स्टेटमेंट को बोल दूँ कि सैटेलाइट सिग्नल्स आर रिसीव्ड ऑन मून बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर नो मीडियम टू ट्रेवल। तो क्या इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्या एक सही है, क्या दो सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों यहाँ स्टेटमेंट सही दिए गए हैं बेशक। क्वेश्चन नंबर 98 पर चलते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर जो है ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन पर, या फिर स्कैटरिंग या फिर इंटरफेरेंस पर। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी 98 का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है। ठीक है, बायोगैस का कंपोनेंट नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, ऑक्सीजन या आर्द्रता। देखिए यहाँ पर जो हिंदी में है इसमें आर्द्रता लिखा हुआ था, लेकिन जो इंग्लिश में पेपर है इनका उसमें ये लिथियम लिखे थे। ठीक है, और उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इस हिसाब से, क्योंकि लिथियम जो है वो कंपोनेंट नहीं है, आर्द्रता तो बिल्कुल होता है उसमें, ह्यूमिडिटी होती है, कई बार होती है। अब क्वेश्चन नंबर 100 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रथम खोजा गया प्रतिजैविक पेंसिलिन था, यानी इस इंग्लिश में स्टेटमेंट को बोल दूं तो पेंसिलिन वाज फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड, तो ये बात सही है। फ्लेमिंग ने इसे पेंसिलिन नोटेटम से विकसित किया था, तो बिल्कुल ये भी बात सही है, फ्लेमिंग डेवलप किए थे इसको पेंसिलिन नोटेटम नाम के एक प्लांट से। ठीक है, अब आगे बताया गया है कि जो अर्नेस्ट चेन है इसके अलावा हॉवर्ड फ्रोले और फ्लेमिंग गॉट नोबेल प्राइज फॉर इट इन 1945, यानी उन्हें 1945 का नोबेल पुरस्कार मिला। क्या ये स्टेटमेंट सही है? और चौथा स्टेटमेंट है कि चेन और फ्लोरी ने इसे शुद्ध रूप से अलग किया। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से गलत हैं। ओके, तो 100 नंबर क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जो चारों ये स्टेटमेंट दिए गए हैं ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। मैं आपको नेक्स्ट पेज पर ये ऑप्शन दिखा देता हूँ, यहाँ दिया गया है कि ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 चारों स्टेटमेंट सही हैं, आप ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 101 कि अटल सेतु कौन सा या कौन सी नदी पर बना है, मांडवी नदी, चिनाव नदी, यमुना नदी या फिर कृष्णा नदी। ठीक है, तो करेंट्स में मिला था आपको ये चीज़, बिल्कुल मिला होगा, ये है मांडवी नदी पर, यानी ऑप्शन ए अटल सेतु। क्वेश्चन नंबर 102 कि जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि बायोफ्यूल के ऊपर नेशनल पॉलिसी जो बनी थी उसको इंप्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन सा था, राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर छत्तीसगढ़। और 102 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान इस तरह का पहला स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 103 चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही के समाचार में रहे शब्द हेलेना का विवरण प्रस्तुत करता है, यानी रिसेंट न्यूज में ये हेलेना वर्ड रहा, हेलिना इसको बोलते हैं, HELINA, हेलिना। ठीक है, सामाजिक रोबोट है या फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है या फिर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है या फिर मोबाइल डिस्कंटेंटमेंट व्हीकल है। ठीक है, यानी मोबाइल डिस्कंटेंटमेंट व्हीकल है। तो 103 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, 103 नंबर देखें, 104 पर चलते हैं, भारत का प्रथम स्वदेश तकनीक निर्मित लंबी दूरी तक मार करने वाला तोप जाना जाता है तीर नाम से, धनुष नाम से, गगन नाम से या पवन नाम से। ठीक है, तो 104 का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी हम इसे धनुष नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, इंटरनेशनल वीमेंस डे जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 उसका थीम क्या था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बैलेंस फॉर वेटर।
वेटर, बेटर लिखना है। मैं इसे लिख दूं यहाँ पर BETTER, बेटर, बैलेंस फॉर बेटर। ये थीम था इंटरनेशनल वीमेंस डे का। अब 106 नंबर सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थापित होगा, जो कि एशिया का प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र होगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा कहता है कि गंगा नदी डॉल्फिन भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम की सूची वन के अंतर्गत आता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तीसरा है, गंगा नदी डॉल्फिन भारत, बांग्लादेश और नेपाल में पाई जाती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? और चौथा, अन्य प्रजातियों की तरह यह सब कुछ देख सकती है। क्या चौथा स्टेटमेंट सही है? तो एक बार गौर करिए, लेकिन मैं आपको एक क्लू दे देता हूँ कि यहाँ चौथा स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि जो भारतीय गंगेटिक डॉल्फिन है, जिसे हम लोग सुसु भी बोलते हैं, वो जो है ना वो अंधी होती है, यानी कि वो सोनार टेक्नोलॉजी का यूज करती है। तो फोर्थ स्टेटमेंट तो हर हाल में गलत है, तो आप अब सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, काहे कि तीनों का जो ऊपर का ऑप्शन था बिल्कुल सही है। ओके, तो ये इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में मिलती है। 107 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दो मिशन आयन मंडल अन्वेषण हेतु नासा द्वारा लॉन्च किया गया है? इंग्लिश में बोल दूं कि विच ऑफ द टू मिशंस विल बी लॉन्च्ड बाय नासा टू एक्सप्लोर द आयन स्फीयर? ओके, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड आइकॉन, गोल्ड एंड डायमंड, गोल्ड एंड इकॉन, ठीक है। और 107 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी गोल्ड एंड आइकॉन। क्वेश्चन नंबर 108, किस देश ने अपने यहाँ के डॉक्टरों को माइटोकॉन्ड्रियल दान के द्वारा 3 माता पिता का बच्चा बनाने हेतु अनुमति प्रदान कर दिया है? बहुत कॉम्प्लेक्स हिंदी है, सीधे सीधे बोला जा रहा है कि यहाँ पर 3 पेरेंट बेबी, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन के थ्रू ये टेक्नोलॉजी को अंजाम दिया जाता है, इसको किस देश के द्वारा अनुमति दे दी गई है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर ब्रिटेन? तो 108 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ब्रिटेन, ठीक है। लेकिन अभी इसके ऊपर दुनिया भर में बहुत तरह की डिबेट्स भी चल रही हैं। 109 नंबर क्वेश्चन, विषाणु में क्या सम्मिलित होता है? ओके, विषाणु का मतलब क्या हो गया? वायरस। वायरस में क्या क्या होता है? कैल्शियम और ओलियम, या फिर ओलियम और प्रोटीन होता है, या फिर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, या फिर कैल्शियम और प्रोटीन। तो एक बार को आप सोचिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, इसी में तो उसका जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। ओके, अब 110 नंबर, कि पौधों के किन हिस्सों में क्रमशः जूट रेशा एवं लौंग प्राप्त किया जाता है? यानी कोई पौधा है, उस पौधा है यानी जूट का पौधा है, तो उससे रेशा कहाँ से मिलता है, और लौंग का अगर पौधा है तो लौंग कहाँ से उसमें मिलता है? तो देखिए, लौंग जो है एक तरह की कली है, फूल की कली है, और जो जूट है वो तना से निकलता है, यानी कि 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। अब 111 नंबर क्वेश्चन, क्रमशः ये 3-4 जो टर्मोलॉजी दिए गए हैं, यानी कि ऑर्निथोलॉजी, साइटोलॉजी और माइकोलॉजी, ये किस किस चीज़ के अध्ययन हैं? तो ये आपके लिए क्वेश्चन आसान भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है, लेकिन अगर आप एक भी जानते हैं तो आप डेसिफर करने की कोशिश कर सकते हैं। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्निथोलॉजी है ये बर्ड्स का स्टडी है, तो आप वैसे भी देखते कि हाँ इसमें से दो है। और साइटोलॉजी, आप कोई भी लूसेंट बायो खोलेंगे आपको मालूम चल जाएगा कि ये सेल्स का स्टडी है, कोशिकाओं का। और माइकोलॉजी ये फफूंदी की पढ़ाई है, यानी कि फंगल स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। तो ये आसान सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे, और नहीं आएगा तो हर क्वेश्चन तो कठिन है ही, है ना। अब 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एड्स, यकृत शोध और रेबीज रोग के प्रभावित अंग क्रमशः हैं। एड्स दूसरा हो गया, जिसको कहते हैं यकृत रोग लिखा गया है, यानी कि हेपेटाइटिस, और अगला है रेबीज। इससे कौन कौन से ऑर्गेन्स अफेक्टेड होते हैं? कि ये जो एड्स है ये रिलेटेड है ह्यूमन के इम्यून सिस्टम से, और इम्यून सिस्टम रेगुलेटेड होता है व्हाइट ब्लड सेल से। इसी तरह से यकृत शोध, नाम से ही पता चल रहा है यकृत का बीमारी है, यानी कि हेपेटाइटिस। और रेबीज हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिजीज है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 113 पर, कि कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न रोग का उदाहरण है? अब जीवाणु का मतलब आप जान गए, बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें से कौन कौन सी वो बीमारियां हैं जो कि बैक्टीरियल हैं? निमोनिया, टेटनस, टाइफाइड, चेचक और कुष्ठ रोग, ठीक है। चेचक को हम लोग बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, और इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं,
ठीक है, तो एक बार को आप विचार करिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा कि ये जो चेचक है ये वायरल होता है। बाकी आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये ऑप्शन तो होने से रहा, ये भी ऑप्शन होने से रहा, और 1, 2, 3 होगा या 5 भी। तो अगर आप ये पता लगा लें कि कुष्ठ रोग क्या है, बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, प्रोटोजोअल है, तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो दोनों में कॉमन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, क्योंकि कुष्ठ रोग जो है ये बैक्टीरियल बीमारी है। तो चलिए मैच कराते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, आप इसको जानते हैं काफ़ी अच्छे से कि इसका हम लोग यूज करते हैं सर्जिकल प्रोसेस वगैरह में। तो इसका हो गया 3 शल्य चिकित्सा प्रक्रिया में, 1 का 3, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसी तरीके से जो धोने का सोडा है ये क्या करता है, पानी की कठोरता को कम करता है, यानी जल की कठोरता हटाने में काम करता है, तो ये सी का 5 हो जाएगा। इसी तरीके से सोडियम है, आप जानते हैं कि ये नाभिकीय रिएक्टर ठंडा रखने में काम करता है। अमोनिया, अमोनिया का क्या काम है, ये मदद करता है हमें बर्फ जमाने में, रेफ्रिजरेशन में, ठीक है। और दाहक सोडा जो है ये साबुन बनाने में काम आता है। तो इसका जो मैचिंग है आप करा लेंगे अच्छे से तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसका 1 ऑप्शन जो है ए वो करेक्ट है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। फिर से मिलान करना है, इधर मिश्र धातु दिया हुआ है और इसका संघटन यानी कि मिक्सचर क्या क्या चीज़ का है ये बताना है, ओके। 3 चीज़ दिया हुआ है, पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर। पीतल का मतलब हो गया कि ब्रास, कांस का मतलब हो गया ब्रॉन्ज, और इधर देखिए तांबा 3, तांबा जस्ता प्लस निकल, तांबा और जस्ता, ये कॉम्बिनेशन है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि जो पीतल है वो तांबा के साथ साथ जस्ता का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, यानी कि ए का हो जाएगा 3, ए का 3, यानी इसमें से 2 में से 1 होगा। इसी तरह से जो कांस है यानी ब्रॉन्ज, ये क्या क्या है, कॉपर और टीन का, यानी बी का हो गया 1। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो गया सी, ठीक है। इसमें ज़्यादा इफर्ट नहीं लगाना है, लेकिन आपको ये सब याद रहना चाहिए, भूलना नहीं है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर करेंट्स का क्वेश्चन हो गया 116 नंबर की, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबी नमक की गुफा का खोज किस देश में हुआ है, इसराइल में, जॉर्डन में, सऊदी अरबिया में, या फिर आयरलैंड में। ये काफ़ी क्वेश्चन करेंट्स में रहा और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी इसराइल में। इसी तरीके से 17 नंबर जो सवाल हो गया कि हाल ही में प्रदान किए गए भौगोलिक संकेतन पर विचार करिए, यानी जो GI टैग दिया जाता है इसके बारे में आपको डिसाइड करना है। अराकू वैली अरबिका कॉफ़ी, ये किस देश को दिया गया। इसी तरह से सिरसी सुपारी, अब जो आगे के ऑप्शन है जो यहाँ नहीं दिख रहे हैं मैं उन्हें भी साइड कर देता हूँ। इसके बाद है खंडमल हल्दी, खंडमल का हो गया हल्दी, टर्मरिक। तो ये आप देखिए, अब आप जानते हैं कि खंडमल जो जगह है ये है ओडिशा में, तो ये तो हो गया। इसी तरह से अराकू वैली का जो अरेबिका कॉफ़ी है ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा को दिया गया, और सिरसी सुपारी जो है ये दिया गया कर्नाटका को, ओके। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। मैं आपको ऑप्शंस पे ले चल रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिए, ये दिक्कतें आती हैं थोड़ा यहाँ पर दिखाने में। तो ये इस तरह से हो जा रहा है। 118 नंबर है ये करेंट्स का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐप गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका लक्ष्य प्राथमिक ग्रेड के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने में कौशल में सुधार करना है, यानी कि उनका स्किल डेवलप करना है हिंदी और इंग्लिश के पढ़ाई में। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, आपको चूज करना है, और 118 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि है बोलो ऐप, ठीक है, बोलो ऐप। क्वेश्चन नंबर 119 पर चलते हैं कि किस दूरबीन का इस्तेमाल करके ब्लैक होल की पहली तस्वीर प्राप्त की गई। ये तो काफ़ी न्यूज़ में छाया रहा, जो लोग इंस्टा यूज़ करते हैं उन्हें भी बहुत बार नज़र आया होगा। तो टेलीस्कोप का नाम आपसे पूछा जा रहा है। 119 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, ठीक है, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। 120 नंबर मिशन शक्ति का संबंध है, ये तो हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, इसको आप कैसे भूल सकते हैं, इसमें तो ऑप्शन ही आपको नहीं देना चाहिए। तो ये हो गया ऑप्शन ए कि भारत का पहला उपग्रह रोधी हथियार का सफल प्रक्षेपण जिससे एक उपग्रह को मार गिराया गया, ठीक है, यानी 120 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। तब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 121 पर, ये पेज थोड़ा ब्लर है, स्टिल वी कैन मैनेज। किस अभियान के तहत भारतीय सेना ने म्यांमार की सेना के साथ मिलकर म्यांमार की सीमा पर उग्रवादी समूह के शिविरों पर हमला कर उन्हें तबाह किया, ठीक है, और 121 है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑपरेशन सनराइज, ठीक है, इसको आपको नहीं भूलना है, ऑपरेशन सनराइज नाम है।
122 नंबर की संविधान के 103वें 103rd संविधान संशोधन का जो अधिनियम का संबंध किस चीज़ से है। ये तो काफ़ी वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, 122 नंबर क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जो 10% रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोगों को सेक्शन को, उसके लिए है। 123 नंबर क्वेश्चन कि सीरा से अल्कोहल प्राप्त करने हेतु कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपसे पूछ रहे हैं कि अल्कोहल अगर निकालना है मोलेसेस से तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, उसको कहते हैं फर्मेंटेशन, यानी कि ऑप्शन सी 123 का सी, किण्वन जिसे बोलते हैं। अब 124 नंबर क्वेश्चन है कि 2020 में गुजरात में आयोजित होने वाली प्रवासी वन जीव के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के COP 13 के लिए शुभंकर क्या चुना गया। ओके, यानी आपसे मैस्कॉट पूछा जा रहा है COP 13 जो CMS का गुजरात में होने वाला है, तो ये गुजरात से ही रिलेटेड कुछ होगा मोस्ट प्रोबेबली। आप ऐसे स्मार्ट गेस वर्क से काम कर सकते हैं या कुछ पड़ोसी राज्यों से भी हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि राजस्थान का नेशनल बर्ड है, सॉरी स्टेट बर्ड है, तो वो इसका शुभंकर है। 125 नंबर सवाल पर चलते हैं कि कौन सा देश विश्व के बाघों की संख्या दुगनी करने वाला प्रथम देश बना। तो इस तरह का जो बड़ा काम है कौन सा एक बड़ा देश कर सकता है। ओके, अब चलते हैं 125 नंबर सवाल कि वो कौन सा देश है जहां पर उसने अपने जो बाघों हैं संख्या है उसको डबल कर ली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल। 126 नंबर सवाल है कि भारत का पहला हाइपर लूप किन शहरों के बीच में चलाया जाएगा। तो ये हाइपर लूप टेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी आप काफ़ी न्यूज में पढ़े होंगे और ये काफ़ी पॉपुलर भी रहा। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर कि अहमदाबाद से पुणे के बीच में, या अहमदाबाद से सूरत के बीच में, या मुंबई से पुणे, या मुंबई से नासिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी मुंबई से पुणे के बीच में ये हाइपर लूप पहली बार इंडिया में चलेगा। 127 नंबर कि पिनाका क्या है। ठीक है, पिनाका क्या है, और यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं कि कोई ये सुपर कंप्यूटर है, या फिर रॉकेट सिस्टम जो कि DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है, या फिर नेवल एयर स्टेशन है, या फिर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ये कोई रॉकेट प्रणाली है जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है, पिनाका। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 128 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 की हाल में ही किस देश की कैबिनेट द्वारा चीनी मुद्रों में पांडा ब्रांड स्वीकृत प्रदान की दी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पर कि हाल ही में किस देश की कैबिनेट द्वारा चीनी मुद्रा में पांडा ब्रांड को स्वीकृति प्रदान की गई है, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, या मालदीव। तो 128 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। यही तो है ऑल वेदर फ्रेंड्स, कोई शक तो है नहीं इसमें। तो हम चलेंगे अब आगे 129 नंबर सवाल पर। ये फिर बायो का क्वेश्चन आता है कि मानव रक्त से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रक्त एक संयोजी ऊतक है। अगर मैं इंग्लिश में बोल दूं इसी बात को कि जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि रक्त का pH मान 8.4 होता है, और तीसरा है औसतन मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होते हैं। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन से गलत हैं, सच्चा झूठा पकड़ना है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 1 और 3 दो सही हैं, और जो ऑप्शन बी है यानी कि रक्त के pH पर जो सवाल उठाया गया है तो ये pH का वैल्यू सही नहीं है। एक बार आप गूगल करिए तब आप बता पाएंगे बेहतर तरीके से। ओके, 130 नंबर सवाल कि मानव शरीर तथा प्लाज्मा में क्रमशः कितना प्रतिशत जल होता है, यानी ह्यूमन बॉडी में और प्लाज्मा में रिस्पेक्टिवली कितना परसेंट वाटर होता है, ठीक है, जल होता है। तो देखिए प्लाज्मा में तो कहते हैं कि 92% वाटर होता है, लेकिन ऑप्शन 92% वाला है नहीं, तो एक बार को आप सोच सकते हैं कि ऑप्शन ई ले लेना है। ठीक है, तो कई बार ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। 92% याद रखिएगा, आप अगर लूसेंट बायो भी पढ़ते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छे से इसको डील किया गया, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो कि श्वेत रक्त कोशिका के बारे में है, यानी WBC के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका निर्माण अस्थि मज्जा में संपन्न होता है। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका जो जीवन काल है 2 से 4 दिन होता है, और WBC में केंद्रक उपस्थित होता है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस होता है। और चौथा स्टेटमेंट है कि जो रेशियो है RBC का और WBC का वो 400:1 है, यानी 400:1 है।
और 131 का आपको फिर ऑप्शन चुनना है, तो ये आप देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, और लेकिन मुझे एक यहाँ पर आपको बताना है कि इसका सेल्फ लाइफ, ऐसे तो ऑप्शन बी दिया हुआ है, लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका सेल्फ लाइफ 2 से 4 दिन नहीं होता है, 5 से 7 दिन होता है। तो यहाँ पर कोई भी इस तरह से क्वेश्चन का आंसर नहीं है जो कि इस तरह का सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको आप ना स्टार कर दीजिए, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। अब यहाँ सूची दिया गया है, यहाँ पर माता पिता का रक्त समूह दिया गया है और इधर बच्चे का रक्त समूह दिया गया है। ओके, आपको मैच कराना है कि बच्चों का क्या संभावित रक्त समूह हो सकता है, यानी कि एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप। अगर पेरेंट्स ओ और ओ ब्लड ग्रुप के हैं तो बच्चे का ब्लड ग्रुप जो होगा हमेशा ओ होगा, ठीक है, बच्चे का ब्लड ग्रुप हमेशा ही ओ होगा। इसी तरीके से अगर माता पिता में से एक ओ और एक ओ भी हैं तो बच्चे का ब्लड ग्रुप हो सकता है या तो ए या तो बी, ठीक है। इसी तरीके से ए और ए होने पर या तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होगा, नहीं तो ओ और ए होगा, ठीक। और ए बी दोनों हैं बच्चे तो कुछ भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ओ ए ए बी इसमें से, या बी भी, ठीक है। तो अब आप समझ गए हैं कि मैच कराना है, तो 132 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है। यानी ए का हो गया 2, बी का हो गया 3, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 4। ओके, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, वैसे पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 133 है कि किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 133 का ऑप्शन सी। ओके, यानी ओ निगेटिव, यानी यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी को भी ब्लड अपना दे सकता है। 134 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित विटामिन को उसके रासायनिक नाम के साथ मिलाना है। इधर सूची दिया हुआ है, सूची के साथ मिलाना है, केमिकल नेम विटामिन ए, विटामिन बी टू, विटामिन बी ट्वेल्व और विटामिन डी। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए विटामिन ए को हम लोग कहते हैं रेटिनॉल, ठीक है, रेटिना से रिलेटेड है तो हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं। इसी तरीके से विटामिन डी को आप कहते हैं साइनोकोबालमिन, तो ए का हो गया 2, डी का हो गया 4। इसी तरह से बी ट्वेल्व है, उसको हम लोग कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, और बी टू को तो राइबोफ्लोविन आप जानते ही हैं। अब आप इसको मैच करा लीजिए, यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं तो इसमें आपको ऑप्शन में पुट कर देना है, बस काम आसान हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं आंसर बता ही दूँ तो 134 का ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि करेक्टली मैच हो जा रहा है यहाँ पे। 135 नंबर सवाल पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। कई बार रिपीट हो रहा है, बी और सी हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं, बाकी सारे फैट सोल्यूबल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 136 स्पोर्ट्स से आ गया क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 जो हुआ था, तो के विजेता महिला एकल, यानी यहां पर सिंगल में पूछा जा रहा है, मेन और वीमेन कैटेगरी में, पहले वीमेन कैटेगरी में कौन चैंपियन है और फिर मेन कैटेगरी में आपको बताना है। ओके, तो आप नामों को देखिए, एक बार को गेस करिए, और 136 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि महिला कैटेगरी में नोवोसी ओसाका, ठीक है, नोनी ओसाका और नोवाक जोकोवी, ये तो हमेशा से रहते हैं, पॉपुलर हैं काफ़ी, आप याद कर लीजिए। 137 नंबर सवाल की इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता 2019 की महिला एकल का खिताब किसने जीता, और 137 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी साइना नेहवाल बेशक। 138 नंबर क्वेश्चन है कि किसे स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम का सद्भावना राजदूत नामित किया गया है। इंग्लिश में बोल देता हूं अगर, तो हु हैज़ बीन नेम्ड एज गुडविल एम्बेसडर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी मिताली राज को चुना गया है गुडविल एम्बेसडर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 139 पर चलते हैं कि 281 एंड बियॉन्ड, फिर से ये क्वेश्चन आ गया वीवीएस लक्ष्मण वाला, 139 का ऑप्शन हो गया डी, ये तो क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। अब 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और उनका नाम है ऑप्शन डी, भगवान लाल साहनी। 141 नंबर क्वेश्चन कि बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मार्च 2019 में मनाया गया, 105वां, 106वां, 107वां या फिर 108वां। ओके, तो आप कैलकुलेट करके ही बता सकते हैं, लेकिन टाइम क्यों खराब करना है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी 107वां।
आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं कि कौन से भारतीय रुपए नोट पर हैम्पी का पत्थर से बना चिन्ह अंकित है। ओके, और 142 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 50 रुपए के नोट पर। निकालिए जेब से, देख लीजिए एक बार को। क्वेश्चन नंबर 143 ये पूछा गया है कि खंडमल हल्दी कहाँ का मौलिक उत्पादन है, यानी मतलब कह लें कि वहाँ का फंडामेंटल प्रोडक्ट है। तो देखिए ओरिजिनल प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, जीआई टैग में ये आ भी चुका है, और खंडमल जगह कहाँ पर है ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो खंडमल ओडिशा में है, और ऑप्शन में ओडिशा है नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ई। 144 की, विश्व में पहला पूर्ण विकसित राष्ट्रव्यापी 5G नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया। ओके, और 144 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी साउथ कोरिया। ये भी न्यूज में रहा और कई सारे सेट्स में और भी ये क्वेश्चन दिए गए हैं। 145 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से इस्लामिक देश में हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया गया, इराक, तुर्की, पाकिस्तान या फिर संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE। और 145 का करेक्ट आंसर जी वही जो कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंट है, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 146 पर, यहाँ पर बोला गया है कि बिना ATM कार्ड के ATM मशीन से नगद राशि निकालने की सुविधा किस बैंक के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI या फिर बैंक ऑफ इंडिया। और 146 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, SBI। आप हमेशा देखते हैं योनो का ऐड आते रह रहा है आजकल। 147, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना शुरुआत किया गया है, ठीक है, बिहार, केरल, महाराष्ट्र और हरियाणा। 147 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, हरियाणा, परिवार सम्मान निधि योजना। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 148 पर, सूचीबद्ध करना है आपको। यहाँ पर योजना का नाम दिया गया है, शुरू करने वाला राज्य, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नूतन दिशा पहल, युवा श्री अर्पण योजना, मुख्यमंत्री अंचल अमृत योजना और अटल आधार योजना, ठीक है। तो देखिए इसमें से अगर आप एक भी जानते हैं तो ये काम आपका थोड़ा तो आसान कर ही देगा, है ना। तो देखिए इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो नूतन दिशा पहल है ये त्रिपुरा का है, नाम से भी लग रहा है। युवा श्री अर्पण योजना ये पश्चिम बंगाल का, ये काफी हाईलाइटेड था। इसी तरीके से जो मुख्यमंत्री अंचल अमृत योजना है ये उत्तराखंड का है, और अटल आधार योजना ये महाराष्ट्र का है। ओके, तो इस तरह से ऑप्शन हो जाता है बी, यानी 148 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पर, भारत के पहले लोकपाल हैं, ये काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं आपको। ऑप्शन सी पीसी घोष, है ना, जस्टिस पीसी घोष, विथ ड्यू रेस्पेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में वर्ष 2019 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य बना, इंग्लिश में बोल दो तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर कौन बना, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ब्रुंडी या इनमें से कोई नहीं। और 150 का ऑप्शन हो जाएगा ई, क्योंकि ये बना मलेशिया। ओके, तो इस तरह से हम लोग 150 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।